गुरुजी 50 में तो पहले दिए हैं आप हमको। आइए सर, आइए आइए आइए, यहाँ पे शिवम सर देखिए आते हुए नजर आएंगे आपको। ये अभी अभी क्लास लेकर के आए, बैठिए सर। अरे ये कौन है? आया आया, ये सर प्रो सर आ गए। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। 2:30 बजे नमाज था खानका में। हाँ गैस कोई नहीं पहुँचा था, हमको लगा छूट गया नमाज। शेड्यूल ऑफ एग्जाम अभी जो आया है भाई, ये रूटीन क्या कहते हैं शेड्यूल एग्जाम का, तो उसको लेकर के प्रवेश सर बोल रहे हैं कि ये बनाना चाहिए शॉर्ट। हेलो बच्चों, तो आज के नया वीडियो का शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चों को बताया गया था कि हम लोग एक नया नया सेशन लेकर के आएंगे, नया नया वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आप ही लोगों के बारे में बात करेंगे। ये व्लॉग व्लॉग ब्लॉग जो भी है, ये मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं और उसका रिप्लाई हम नहीं कर पाते, सॉल्यूशन नहीं कर पाते, तो ये एक अच्छा तरीका बन सकता है कि उस कमेंट को लेकर के हम जो है बच्चों तक उनकी ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो भेज सकें। तो आज जुमे का दिन है और अभी अभी जस्ट हम लोग जुमे का नमाज़ पढ़ करके आए हैं भाई, है ना, और मैंने सोचा कि आप लोगों से मुखातिब हो जाए और आप सभी बच्चों को जुमे मुबारक। नीचे शिवम सर क्लास ले रहे हैं। शिवम सर पता नहीं, अभी हम आए और मैंने देखा कि भाई शिवम सर क्लास ले रहे हैं, चलो अच्छी बात है। मैंने सोचा आप लोगों से जो है वो एक दो बातें कर ली जाए। आई होप सारे बच्चे ने पिछला जो हमारा वीडियो सेशन था उसमें हमने किस तरीके से OMR फिल किया जाता है वो मैंने बताया था, तो आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बाकी कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कीजिए ताकि हम उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेरा कुटिया है, यानी कि मेरा एक घर है थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देते हैं, इस तरीके से है भाई, ठीक है। चलो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं आप लोगों को। तो फिर जब तक सरफरोज सर नहीं आ जाते हैं, सरफरोज सर भाई मेरा गाड़ी लेके चले गए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और परवेज सर भी गए हैं भाई, मैं यहीं पास वाले मस्जिद में चला गया था, मुझे उन दोनों को शायद लेट हो गया था, इस वजह से वो बाइक से नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। तो जब तक नहीं आ जाते हैं, क्योंकि कोचिंग भी जाना है, क्लासेस भी स्टार्ट करना है, तो हम लोग जो है कुछ बच्चों का कमेंट्स का जवाब दे देते हैं ना, मतलब कि जो जो सवाल है। जैसे कि यहाँ पे अंजलि का एक कमेंट है कि सर BHU का भी सिलेबस सेम है क्या, यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि 11th का एंट्रेंस जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होता है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में होता है, तो क्या और BHU में होता है, यानी CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल के लिए जो होता है 11th का एंट्रेंस, तो उनके लिए सिलेबस सेम है क्या? तो हम CHS यानी BHU और AMU का जो 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसका हम बता सकते हैं कि लगभग सेम होता है। बस बात यह है कि CHS में जो है वो इंग्लिश भी आता है और आपका हिंदी भी आता है, लेकिन AMU में इंग्लिश इस बार 5 मार्क्स का दिया है, है ना, लेकिन हिंदी नहीं आता, ठीक है। तो साइंस और मैथ का सिलेबस हम सेम कह सकते हैं 11th AMU और 11th CHS का यानी BHU का, लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नहीं, क्योंकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सिर्फ 10th का पूछता है, लेकिन CHS यानी BHU या फिर AMU इन दोनों में क्लास 10th और क्लास 9th दोनों का पूछता है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। और देखते हैं भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंजलि का ही जो है वो यहाँ पर दूसरा मैसेज है कि थैंक यू सर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, मेरे जैसे बच्चों का भला करने के लिए अ लॉट ऑफ थैंक्स। तो थैंक यू सो मच अंजलि आपको, क्योंकि आप लोगों की ही ये दुआ है, ये आप लोगों का विशेष है जो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा भाई, क्लास 6 एंट्रेंस पर एक वीडियो पर कमेंट आया तौकीर अहमद का है कि मैम आप हमारे घर कब कॉल करिएगा। अच्छा
अब मैम से उनको बात करना है भाई, बताओ। और भी है कि मैम माय फेवरेट टीचर इज़ रहनुमा मैम ऑलवेज। मैम ये वीडियो देखेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि और यहाँ पर देखते हैं भाई, तो कुछ कुछ हम इसीलिए जो है यहाँ पर ये वाला सेशन लेकर के आए हैं कि इस तरीके का हम जवाब नहीं दे पाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे एक बच्चे का नाम, लेकिन यूज़र यू आर करके है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, उनका कमेंट ये है कि सर मैंने क्लास 9th में फॉर्म भरा था ईयर 2022 में, यानी 22 में उन्होंने पेपर दिया था। अब हमको क्लास 11th का फॉर्म फिल करना है, पर वो आधार नंबर पहले से रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो सर प्लीज़ उस पर भी वीडियो बना दीजिए। हाँ तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने लास्ट ईयर जो क्लास 9th का फॉर्म भरा था एमयू का, उसमें जिस आईडी जो आईडी आपने बनाया था, रजिस्ट्रेशन जिस आईडी से किया था, तो वो ईमेल का आप पता कीजिए और वो रजिस्ट्रेशन उसी से फिल होगा। हर बार नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है ना, एक ही रजिस्ट्रेशन से आप मल्टीपल फॉर्म्स भर सकते हैं। यानी क्लास 9th में वो जो रजिस्ट्रेशन जो आईडी आपका था जो पासवर्ड आपका था उसी का यूज़ करके इस बार 11th का फॉर्म भराएगा, और मान लो कि आगे भी आपको बीटेक का फॉर्म भरना है या बीए का या बीएससी का, तो उसी रजिस्ट्रेशन से भराएगा। तो आप पता कीजिए कि वो ईमेल कौन सा था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं एक और कुछ देख लेते हैं भाई कमेंट्स। ओके हाँ, ये बोले फुल सिलेबस, क्या नाम है भाई तुषार बघेल का ये कमेंट है, बोल रहे हैं कि फुल सिलेबस एमयू 11th साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, कंबाइंड ही होता है दोनों 11th का और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, तो उसका फुल सिलेबस डिस्कस जो है वो करने के लिए बोला जा रहा है। बिल्कुल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे भाई। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर एक और सवाल है, और मिस्टर खान का सवाल है, देखते हैं क्या है ये, कि सर जी मैं 10th यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है 2024 में और अभी रिज़ल्ट नहीं आया है। सर मैं कहना चाहता हूँ कि 11th में आने पर एडमिशन, 11th होने के बाद एडमिशन होगा या प्लीज़ सर सॉल्व। तो एक तो इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है वो कहना चाह रहे हैं कि 10th उन्होंने दिया है तो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या फॉर्म भरेंगे, एडमिशन होगा? बिल्कुल होगा, उसमें जो है वो आप रिज़ल्ट अवेटेड आरए लगाएंगे जहाँ पर रिज़ल्ट आपको दिखाना होगा, ठीक है। समझ में आया बात, यही करना है। और देखते हैं भाई, हेलो सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर। बहुत अच्छा, एक वीडियो में हमने बोला था कि जो जो बच्चे जहाँ कहीं से भी हो वो कम से कम अपना लोकेशन स्टेट है ना जगह जो है वो कमेंट कर दे, तो वो वाला वीडियो उसको भी मैं देखूंगा, उसमें भी देखूंगा कौन बच्चे कहाँ कहाँ से है। तो फिलहाल अभी के लिए तो इतना ही है ना, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, इसे टाइम लग जा रहा है ऐसे से करने में, तो कुछ क्वेश्चंस हम देख लेंगे फिर उस क्वेश्चन पर हम जवाब देंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू। गुरु जी 85 में तो पहले दिए हैं आप हमको। उसी टाइम 85 चल रहा था परवेश सर जो है, उसी टाइम 85 चल रहा था। बात करते हुए अभी अभी जस्ट आए हैं और आके यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और बात कर रहे हैं। लगाइए 75 में लगाइए गुरुजी, 75 में तो लगा रहा है सब। देख रहे हैं सर मुस्कुराते हुए कितना प्यारे लग रहे हैं। तुलना 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 नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो है क्या बोला जाए आदमी वो। चलिए तो ठीक है, इनको बात करने दीजिए, इनको डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ भाई, तो जैसा कि मैंने बताया था कि एक वीडियो था जिसमें हमने पूछा था कि कौन कौन कहाँ कहाँ से भाई तैयारी कर रहा है, जिससे हमको पता चले कि हाँ भाई बच्चे जो हैं हमारे किस किस स्टेट से तैयारी कर रहे हैं। तो लगभग 106 कमेंट है इसमें, और यहाँ पर है रुमीना
क्या है, रोमिनेश कुमार, ये बोला हेलो सर आई एम फ्रॉम बिहार औरंगाबाद। बहुत बढ़िया। और फिर देखते हैं कहाँ है भाई, और है मकबूल अहमद, ये बोल रहे हैं सर आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यानी बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। और फिर यहाँ पे हम बताते हैं अलोन गोरी पठान, ये कौन है भाई, बोल रहे हैं सर आई एम फ्रॉम मेवात। अच्छा, ये भी बढ़िया है। सरफराज अहमद, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश अंबेडकर नगर। ओके ओके। अब एक यहाँ पे है सालवा हाशमी। अब देखो इन्होंने बहुत तगड़ा बात बोला है कि दिल वालों की दिल्ली, मजबूत लंग वालों की दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली दिल्ली। बहुत बढ़िया भाई साहब, मजबूत लंग से जाहिर सी बात है, बहुत मजबूत लंग से। एक और है बोले सर आई एम पूर्णिया बिहार। और एक है गेमिंग करके, वेरी गुड सेशन, बोले सेशन बड़ा अच्छा है, आई लव यू एजुकेशन एट द फैमिली, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। और देखते हैं भाई साजिद मोतिहारी बोल रहे हैं बिहार इन मोतिहारी। ओके। सकीना खान, अस्सलाम वालेकुम सर आई एम फ्रॉम बांदा यूपी, बंदा यूपी, थैंक यू फॉर ऑल दिस कंटेंट। ओके। अंजलि यूपी फ्रॉम कन्नौज। मारूफ फ्रॉम यूपी गोरखपुर, बहुत बढ़िया। रेहान बोल रहे हैं सर बिहार समस्तीपुर ताजपुर। ओके। शादिक असलम बिहार जमुई। शोएब खान उत्तर प्रदेश। शहनवाज खान यूपी लखमीरपुर खेरी, अच्छा लखीमपुर खेरी। ओके। फातिमा आई एम यूपी, आप यूपी हो। मुजफ्फरनगर, ठीक है भाई। नूर सबा क्या बोल रहे हैं, ये तो अलग ही कुछ बोल रहे हैं। सर हम JMI के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हो भाई। और कौन है, नाम भी यूज़र यूज़र करके बहुत सारे का आता है, तो यूपी प्रतापगढ़। ओके। मुमताज़ बोले सर आई एम लिविंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अच्छा। और कौन है, अनस बिहार अररिया जिला। ओके। सानिया परवीन आई एम फ्रॉम बिहार वेस्ट चंपारण। ओके भाई साहब। जुगाड़ वाला बोल रहे हैं सर बिहार पूर्णिया। ओके। पूर्णिया के बहुत बच्चे लग रहे हैं यहाँ पे, आई एम फ्रॉम बिहार पूर्णिया। उत्तर प्रदेश बरेली शरीफ, वो बरेली एक बार हम गए थे भाई, बरेली एक बार गए थे जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो मेरा एक फ्रेंड था रूममेट जिसका नाम था भाई ज़ियाउल कादरी साहब, उनका बरेली में घर था, तो उनके बड़े भाई की शादी थी, तो उन्होंने बुलाया भाई, वो तो पहले चले गए थे, फिर हम पहली बार जा रहे थे, है ना, तो फिर मैं अलीगढ़ से मैंने फिर बस जो है बस पकड़ा, फिर बस से बाई रोड हम जो है वो बरेली गए, पहली बार जीवन काल में पहली बार बस में सफ़र किए अलीगढ़ टू बरेली। बीच में शायद बदायूं भी आता है, कड़कती गर्मी थी। फिर वहाँ पहुँचे हम लोग, फिर वहाँ पर रिसीव करने के लिए आए। ठीक है, आइए सर, आइए आइए आइए, यहाँ पे शिवम सर देखिए आते हुए नजर आएंगे आपको। ये अभी अभी क्लास लेकर के आए, बैठिए सर, बच्चों लोग से बात कर रहे हैं। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, कैसे हो बच्चा पार्टी। अभी एक गुरुजी भी यहाँ भी है, शिवम सर तो रोजा नहीं रहते हैं, पानी पी रहे हैं। तो पानी पी रहे हैं, थक गए थे भाई, अब समझ पा रहे होंगे कि रोजा कितना मुश्किल है, क्योंकि हम क्लास ले रहे हैं तो बिना पानी के लगता है कि वो कैसे पाएगा। अब परवेश सर ला के दे रहे हैं भाई, इनको पानी ला के दे रहे हैं, भले आदमी है भाई, शांत आदमी है, पता है आप लोगों को। क्या लग रहा है, 6th का और 9th का एग्जाम का डेट आ गया है, एमयू का, एमयू का। हाँ तो भाई अभी हम चेक करेंगे कि 6th का 9th का एग्ज़ाम डेट आया है कि नहीं आया है, सर चेक कीजिए, तब तक हम ये जो कमेंट पढ़ रहे हैं पढ़ लेते हैं। देख हम लोग देख रहे हैं कौन कौन से जगह से बच्चे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश बरेली, आई एम फ्रॉम बिहार पूर्णिया अलीगढ़। अलीगढ़ से भी है भाई, बहुत बढ़िया, हमको अच्छा लगता है, अलीगढ़ का कोई अगर बोलता तो हमको बहुत अच्छा लगता, कैसे पढ़ा उसके लिए उस शहर से हो तो, और बिहार रोहतास जमशेदपुर झारखंड, रोहतास जमशेदपुर झारखंड, झारखंड पूर्णिया, अमेठी, अमेठी भी चले गए भाई, वाह
मतलब लगभग यूपी बिहार झारखंड पूरा कब्जा, गोपालगंज अररिया वेस्ट बंगाल, चले बहुत बढ़िया, झारखंड यूपी मथुरा, ओके 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 लखनऊ बिहार सारण दिल्ली पूर्णिया वेस्ट चंपारण बलिया उत्तर प्रदेश, ओके आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश, ओके मध्य प्रदेश भी हिंदी वर्ल्ड पूरा ही लगभग, हाँ मध्य प्रदेश, माई नेम इज एम डी कुरैश बिहार, ओके नवादा न्यू दिल्ली यूपी बिहार मधुबनी, ये बैच यूट्यूब पे फ्री है ये भी कमेंट, ब्लॉग पूरा फ्री है, अलीगढ़ बिहार, चलिए भाई डेट आ गया है, बताओ डेट आ गया है, देखें देखें सर एक सेकंड, हाँ तो परवेश सर अभी डेट बताएंगे फिर हम आपको और डिटेल से बताएंगे, चलिए बोलिए सर डेट आ गया, अच्छा सुनिए पहले मैं बोल लेता हूँ, फिर परवेश सर बोल रहे हैं कि अभी अभी जो है वो क्लास सिक्स और क्लास नाइन का एमयू का डेट आया है, एमयू का डेट आ गया है तो सर बताएंगे कि क्या डेट है, बोलिए सर एमयू का डेट आ गया है क्लास वन क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ, क्लास वन का जो टेस्ट डेट है वो 30/4/2024 30 अप्रैल जी 30 अप्रैल को क्लास वन का, हाँ क्लास वन का है, हाँ ठीक है, उसके बाद जो है क्लास सिक्स का जो चला गया है वो 2/5/2024 मतलब 2 जून 2 मई से दो मई अप्रैल का मई, हाँ क्या 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 दो मई क्या है क्लास सिक्स का, क्लास सिक्स का 2 मई, हाँ 2 मई 4 PM से एग्जाम होगा, उसके बाद क्लास क्लास नाइन्थ का 4 मई है, 4 मई है, 30 अप्रैल 2 मई और 4 मई, लग रहा है परवेश सर के शादी तक 11th का एंट्रेंस एग्जाम दे देगा, 11th का वो मई लास्ट जब क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ का सर दे दिया है, ऑफिशियल हम देख रहे थे आज दिन में, देखें बताने वाले थे आपको कि मई लास्ट दिखा रहे एकदम लास्ट में, क्या जून फर्स्ट, नहीं सर जून भी फर्स्ट था, तो जून फर्स्ट में, तो जून फर्स्ट में जाएगा तो परवेश भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं थोड़ा परेशान लग रहे हैं बता नहीं पा रहे, सुन लो तो क्लास सिक्स का है 2 मई को, ठीक है 4 बजे से पेपर होगा, 2 मई को, और क्लास नाइन्थ का है 4 मई को 4 बजे से पेपर होगा, और क्लास सिक्स का जो इंटरव्यू डेट है, ठीक है हाँ इंटरव्यू डेट है दे दिया है, 2 को पेपर है, इसमें क्या दे दिया है 3/5/2024 को इंटरव्यू, अगले ही दिन क्या सर है इस हिसाब से डेट निकाला है इंटरव्यू शेड्यूल 3/5/2024, अच्छा उस पर डिस्कस करेंगे पहले, एग्जाम डेट बता दीजिए, एग्जाम डेट यही है, देखो ना आईफोन दिखा रहे हैं आप, अच्छा ये नोटिस है, अभी डिस्कस कर सॉर्ट, देख लो भैया देख लो भाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नोटिस आ गया है, नोटिस और यहाँ पे दिया है क्लास वन का 30 अप्रैल और क्लास सिक्स का 2 मई 4 बजे शाम में, अच्छा ये अलग ही शेड्यूल बना है इस बार, क्लास नाइन्थ का दिया है आपका 4 बजे 4 बजे भी होगा और 4 मई को, ठीक है, उसके बाद द इंटरव्यू ऑफ एनआरआई कैंडिडेट अपेयरिंग इन द टेस्ट विल बी हेल्ड एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल, इंटरव्यू होता है क्या तो नेम ऑफ क्लास एग्जाम भी तो ओके इंटरव्यू डेट 3/5/3 मई और 9th का 5 मई एसटीएस में एनआरआई कैंडिडेट, अच्छा उसका देखेंगे क्या क्या है ऑफिशियल, ये नोटिस है एग्जाम यहाँ पे सारा चीज काफी मिल गया, मेहनत करे सब बस, यानी कि आप लोगों एमयू वाले को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है ना सर, क्या बोलना चाहेंगे एमयू वाले को बहुत ज्यादा समय मिला, अब दोबारा से बैच ज्वाइन करो तुम लोग खूब पढ़ो क्योंकि अभी बहुत टाइम मिल गया, बहुत टाइम हो गया अप्रैल और मई, अभी पूरा अप्रैल बच गया, अप्रैल बच गया अभी से 45 दिन तो 8 दिन इधर हो गया 30 दिन उधर हो गया 40-45 दिन आराम से बच गया, बहुत ज्यादा और जामिया वाले बच्चे आपका तो एग्जाम आ रहा है उस एग्जाम के लिए पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, और एक छोटा सा एक खबर दे दे कि देखो हम सभी लोगों के लिए सबसे मुश्किल समय यही होता है कि एक बैच आता है 2-4-6 महीने पढ़ता है खुद आदत लगाता है, खुद आदत लगाता है, अलीगढ़ वाला जो है बच्चा अलीगढ़ वाला जो सोच रहा था सर अभी अभी ज्वाइन करेंगे तो 40 दिन अभी भी आपके पास 45 डेज का तो हर जगह क्रैश कोर्स चलता है उसमें पूरा और आप पढ़ चुके हो जिस तरह सबसे बड़ा बात है कि उस 45 डेज में आपको पूरा मॉक मिल जाएगा टेस्ट के अलावा एक एक चैप्टर का आपको क्वेश्चन सेशन मिलेगा पर चैप्टर जितने भी चैप्टर्स आपके क्लास 8 के सबके क्वेश्चन सेशन मिल जाएंगे आपको और एक जरूरी खबर यही बताना था कि बच्चा आता है फिर चला जाता है आदत लग जाता है टीचर्स को भी एक बैच में पढ़ाने का जैसे हम पढ़ा रहे थे ये कौन है आया ये सरफरोश सर आ गए वालेकुम सलाम ईद मुबारक 2:30 बजे नमाज था खानकाह में हां
गैस कोई नहीं पहुंचा था, हमको लगा छूट गया नमाज। फिर उसके बाद छोटे खान का मैं डेट आ गया तब तो एक बार और हम लोग बच्चों को पढ़ा देंगे। वही तो चल रहा है, दोबारा पूरा पढ़ाया जा सकता है, पूरा का पूरा एकदम एनर्जी के साथ जबरदस्त तरीके से एकदम तोड़ फोड़ के पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा पाइएगा? जामिया आपका खत्म है, मेरा जामिया खत्म है, बाकी लोग पढ़ाएंगे ना जो साइंस वाले, असिस्ट करेंगे हम लोग। वही बात। और सर प्रोफेसर क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, नींद में लग रहे हैं? बढ़िया है। अच्छा इसका कितना दिया है? बस यही हो जाएगी, 27 जून चला गया तो थोड़ा सा थोड़ा सा मसला है सर, 27 जून चला गया तो कोई मसला नहीं है। कैसे मसला नहीं है? मसला क्या है? आदमी बारात जाएगा कि क्लास पेपर डिस्कस करेगा? पेपर डिस्कशन क्या बच्चा पेपर? चलिए बच्चा पार्टी, तो ये वाला वीडियो जल्दी अपलोड करना पड़ेगा क्योंकि डेट आ गया है, तो अभी अभी हम इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। Now we are ready to what? For the schedule of exam. अभी जो आया है भाई ये रूटीन क्या कहते हैं शेड्यूल एग्जाम का, तो उसको लेकर के प्रवेश सर बोल रहे हैं कि ये बनाना चाहिए, शॉर्ट्स बनाना चाहिए ताकि बच्चों को पता चल जाए, है ना। 6 और 9 का एमयू का डेट आ गया, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो बच्चे लोग देखेगा नहीं, वो तो रगड़ते रहेगा, शॉर्ट देखते रहेगा, तो उसी में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा के बात हो जाना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही सही है। ओके तो कंटिन्यू, क्या सर कब डेट आया, कब डेट आया? अभी जस्ट पता चलेगा। चलो ओके 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 या आपको दिख रहा होगा कि अभी शादाब सर क्या कर रहे हैं, बताइए सर क्या हो रहा है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बच्चों को बताया है कि एक नोटिस आया, नोटिस में आया कि भाई क्लास 6 का क्लास 9 का जिस चीज़ का हम लोग को तैयारी करा रहे हैं भाई चैंपियन बैच से अल्टीमेट बैच से, तो उसका एग्जाम डेट आ गया है। कमेंट में बच्चे लिख रहे थे ना सर एमयू कब आएगा, एमयू कब आएगा, एमयू कब आएगा, आ गया। जाइए साइट पे, जाइए वेबसाइट पे, जाइए ये वाला लिंक है, देखिए शेड्यूल ऑफ एडमिशन टेस्ट फॉर क्लास 1, 6, 9 फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2024-25, इसको क्लिक करना है, बस आपका ये नोटिस खुल जाएगा। सिंपल सा यहाँ पर डेट क्या दिया है, सिंपल सा डेट दिया है कि 1 क्लास, जैसे कि 1 क्लास का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, लेकिन शेड्यूल यहाँ पर है, यानी कि 1 क्लास का लॉटरी वाला सिस्टम होता है। ठीक है, तो 30 को लॉटरी होगा, 30 अप्रैल को लॉटरी होगा। क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2 मई को होने वाला है 4 बजे, और क्लास 9 का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 4 मई को होने वाला है 4 बजे। ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बच गया। कितना टाइम बच गया? अभी चल रहा है मार्च, है ना, तो मार्च में, मार्च का भी 21 मार्च है, इधर 9 दिन बच रहा है, पूरा अप्रैल 30, 9, 39, यानी कि 40 दिन बचा हुआ है। 40 दिन में रगड़ देना है पूरा सिलेबस, चाहे चैंपियन हो चाहे अल्टीमेट हो, खलास खत्म खत्म। ये कौन सा ब्लॉगिंग है? मोटो ब्लॉग। रेस लगाओगे? रेस मैं जीत जाऊंगा। ये एक गैंग हम लोग की तरफ रहता है, वर्ल्ड वॉर। ये सुधा की गाड़ी है, गाड़ी नहीं, ये गाय की गाड़ी मिलेगी आपको। और यहाँ पर सोने की एक ट्रक जाते हैं, हम लोग इंतजार में। बहुत क्या हाल है? कितने देर से खड़े हैं भाई? 15 मिनट से खड़े हुए। पौने दो भाई, पंद्रह मिनट से नमाज पढ़ा भाई, नमाज पढ़ के चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंट्री करते हुए काम पे लग जाओ सब। यहाँ पर शुभम सब बैठे हुए हैं जाने के इंतजार में। कहाँ जाने के इंतजार में है सर? कहाँ जाने के इंतजार में? थोड़ा एक जगह बस इनविटेशन था तो सोचे घूम के आ जाते। आस्था गिल? कौन सा गिल? आस्था गिल एक बॉलीवुड की बड़ी जानी मानी सिंगर है, उन्हीं का एक शो है पटना में,
पास मिल गया था तो सोचे थोड़ा जाके देख लेते हैं क्या गाती है, कैसा गाती है, अच्छा गाती है या नहीं। हम लोग को क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं? रमजान की वजह से आप लोग नहीं जा पा रहे तो हमारे पास भाई फ्रीडम था कि मैं जा सकूं। ओके 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 ये या और यहाँ पे जजा भाई लगते हैं कि अभी अभी नमाज पढ़ के आए हैं। हो गया एक कंप्लीट हो गया, हमको लगा एक तिया तीन तिया नौ तिया सत्ताईस तिया सब हो गया, सब नहीं हुआ क्या? नो दूसरे साल में लगे हैं। और कुछ बोलना चाहिए? अब देखो ये वाला इस ब्लॉग का लास्ट टाइम है भाई, एंडिंग टाइम आज, आज का एंडिंग आज के ब्लॉग का। देखिए हम लोग का जो ब्लॉग है ये उस तरह का नहीं है। किस तरह का? ये उस तरह का नहीं है, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है ये, इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग जो कमेंट करोगे, जो भी क्वेरी होगा उस पे हम लोग बनाएंगे। हाँ, एक चीज है कि जो भी जिससे भी रिलेटेड, किसी टीचर से हो, किसी बैच से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कमेंट से रिलेटेड हो कि सर पढ़ा रहे हैं अच्छा कि नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी हो कमेंट में लिख देना, उसका जवाब वीडियो के थ्रू वर्बली मिल जाएगा, क्योंकि मैसेज करके पॉसिबल नहीं होता है सबको जवाब दे पाएगा। ठीक है, तो वर्बली आंसर मिल जाएगा, बाकी तो देख ही रहे हो ब्लॉग चल ही रहा है सारा, सर का बुरा है। ये मेरा नहीं है, सबका है, ये आपका है जो आप अभी जाएंगे नाचने के लिए। अरे नाचने थोड़ी जा रहे भाई, शो है, गाना है, संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक वही अटेंड कर। ओ क्लासिकल म्यूजिक ताता थे। हाँ भैया, ओके ओके ओके, चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वाले। हाय एवरीवन, तो भाई साहब अभी अभी हम लोग इफ्तार करने के बाद यहाँ पर आ चुके हैं फिर से वापस अपना एजुकेशन अड्डा इंस्टीट्यूट, और यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ नया काम हो रहा है, और ये नया काम अभी आपको हम दिखाते हैं। एग्जाम डेट आ चुका है, एग्जाम डेट आने की खुशी में ये प्रवेश काम बढ़ रहे हैं। काम बढ़ गया है भाई, इस वजह से दिखाते हैं। नंबर पड़ेगा, काम बढ़ने के चक्कर में खर्चा बढ़ गया। यहाँ पर एक नया जो हमारा पैनल था वो बेकार चल रहा था, तो इसको प्रॉपर स्टूडियो में कन्वर्ट किया जा रहा है सर प्रोफेसर की जिद के द्वारा। यहाँ पर एक नया कैमरा सेटअप हो रहा है ताकि आप लोगों के लिए क्लास जो है वो अच्छे तरीके से लिया जा सके। बाकी ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये नया सेटअप, नया सामान, नया कैमरा, ये देखिए यही कैमरा, ये इसी का जो है वो खर्चा हम सहाने जा रहा है। चीज़ बढ़िया है लेकिन खर्चा हो रहा है। क्या सर? सही बात है। चीज बढ़िया है लेकिन खर्च बहुत। क्या था प्रोफेसर? यस या किसी चीज के लिए चार जूता, चार चप्पल, चार पेट, पांच पेट कर रहा है। सर आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं। अब प्रतिक्रिया बताइए। बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ये स्टूडियो हमारा यही मेन स्टूडियो था, एक स्टूडियो घर पे है, तो यहाँ पर एक ही स्टूडियो में क्लास लेते लेते परेशान हो गए लोग, सबको इंतज़ार करना पड़ता था या तो घर जाना पड़ता था। जैसे कि परवेश सर और शिवम सर जो है वो रेगुलर घर पे ही क्लास लेते हैं, है ना, तो यहाँ वाले स्टूडियो में एक ही क्लास कंटिन्यू जा रहा था, एक के बाद एक हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा जैसे कि एग्जाम डेट आप लोगों का हो गया तो क्वेश्चन सेशन ताबड़तोड़ चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने सोचा कि ये जो क्लासरूम है इस क्लासरूम में भी स्टूडियो सेटअप किया जाए। तो ये भाई 6x12 meters ठीक तो है, 6x12 meters तार के लिए ये लोग लड़ रहे हैं। ये वाला काम हो जाएगा तो फिर हम लोग क्लासेस अच्छे से हो जाएगा। चलिए मिलते हैं बाद में। चलिए तो यहाँ पे लास्ट वीडियो है ये, सरप्रोसर काम खत्म करते हुए और लस्सी पीते हुए। तो यहाँ पे जजा भाई पूरा एकदम इमामत करते हुए। ओ माय गॉड, सस्ता लस्सी, सस्ता है, 35 रुपए का। 35 रुपए
मेरा भी खोल दे भाई। ठीक ही है, अभी कैमरा लगने की खुशी में लोग मिठाई खाते हैं, हम लोग लस्सी पी रहे हैं। कैमरा लग गया है बच्चा पार्टी, कल से क्लासेस भी अच्छे से होने की आशंका है, संभावना है। नीति मोहन अच्छे से हो रही है, क्लासेस अच्छे से हो रही है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से बोल रहे हैं, जैसे कि हम लोग इधर दौड़ते हैं उधर दौड़ते हैं, है ना, वो दौड़ हर कम दौड़ना पड़ेगा जी। या चलिए तो ओके, आज का यही तक फिनिश था, लस्सी से खत्म करते हैं इसको, चीयर्स नहीं बोलेंगे ठीक है।